शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। ऑर्डर भर के एक्सपोर्ट होना चालू हो जाएगा। लड़के लोग, ये जूते की एड़ी में ऐसे माल भरो और डब्बे में भरो। जूता वाला, लो ये शराब पियो। बोलो, किसके लिए काम कर रहे थे? पुलिस वालों के लिए। अबे चुप! ये माल कहाँ ले जा रहे थे? तुम्हारे घर। इंस्पेक्टर। यस सर। वो पूरा पैकेज इसे खिला दो। ओके सर। नहीं सर, नहीं सर, मैं मर जाऊंगा सर, मैं मर जाऊंगा। बोलो। पहले बॉस का नाम बताया तो मेरी माँ और बहन को मार डालेंगे साहब। तुम्हारी और तुम्हारे घर वालों की जान बचाना हमारा फर्ज है। आप मेरी माँ और बहन को यहाँ ले आइए साहब, तो मैं बॉस का नाम बताता हूँ साहब। ठीक है, मैं खुद जाकर तुम्हारे घर वालों को हिफाजत से लेकर आऊंगा। क्या है? सर, आपका टेलीफोन। यस कमिश्नर खन्ना यार। सुनिए कमिश्नर खन्ना, हमारे आदमी को छोड़ दो वरना तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। अरे खतरों से डरना तो मैंने उसी दिन छोड़ दिया था जिस दिन मैंने खाकी वर्दी पहनी थी। चाबी लाओ। लेकिन सर, मैं अपने खतरों में दूसरों को शामिल नहीं करता। बट सर आप। थैंक यू। अब कमिश्नर नहीं बचेगा। चलो बोझ को फोन करें। चलो। क्या बोला? कमिश्नर की गाड़ी में क्या है? श्रीनगर कहाँ? थोड़ा आगे जाके बाएं मुड़ जाइए। थैंक यू। ओके। जो बात आपको कहनी है वो आप बाद में कहिएगा, लेकिन जो बात मुझे कहनी थी वो हो चुकी है। इस बम के बारे में तुम्हें कैसे पता चला? ये है दोनों मुजरिम सर जिन्होंने आपके कार के नीचे बम लगाया, और ये है इनका साथी जिसने पैसे दिए। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? इन्होंने मुझे बताया सर। और आपने इनकी बात पर यकीन कर लिया? सर, अगर उसने मेरी गाड़ी में बम लगाया तो इसी ने मेरी जान क्यों बचाई? सॉरी सर। नहीं, जाओ। और बखूरदार, थैंक यू वेरी मच, जान बचाने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। माइक, यू नो वन थिंग, पुलिस डिपार्टमेंट में तुम जैसे स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंट बहादुर लोगों की बहुत जरूरत है। नहीं 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 सर, कोई जरूरत नहीं है सर। वो क्या है सर कि अगर आप जैसा कड़क पुलिस कमिश्नर ऑफिसर अगर अपन का ऑफिसर बन जाए तो अपन की दाल नहीं गलेगी। क्या मतलब? वो क्या है सर, अपन को थोड़ा इधर उधर माल खाने का आदत है। हाँ। और आजकल पुलिस के पगार में क्या रखेला है, एक तारीख को पगार मिलता है, दो तारीख को खलास हो जाता है। चलो शर्मा साहब, और दूसरा बात मतलब क्या है कि आप तो खाएंगे नहीं। हाँ? हाँ। और अपन तो खाने देंगे नहीं तो अपन तो भूखे मर जाएंगे ना। क्यों शर्मा साहब, चलो साहब। हाँ।
देखा साहब छोकरा कितना सच बोलता है, शराब है। क्या वजह? सर इसने खुदकुशी कर ली, कहता था अपनी माँ और बहन को बचाने का यही एक तरीका है। हे लक्ष्मी माँ, आज मैं आपसे शपथ लेती हूँ कि मैं एक घरेलू नारी बनकर जीवन बिताऊंगी, ये बुरे धंधे आज से छोड़ देती हूँ, क्योंकि क्योंकि आपके नारायण की तरह मुझे भी एक ओम नारायण मिल गया है, अब मैं एक बड़े घर की बहू बनकर सुख से रहूंगी। मेरे मेरे माँ बाप तो है नहीं, इसलिए आप माँ बनकर। आप माँ बनकर मुझे आशीर्वाद दीजिए। जय लक्ष्मी माँ। माँ जी आपका मंगलसूत्र नीचे गिर गया था। माँ जी धन्यवाद बेटी। अरे क्या बेटी बेटी, ये बेटी नहीं ये चोर है, ये तुम्हारा मंगलसूत्र वापस करके तुम्हारे सारे गहने चुराना चाहती है, ये मेरी घड़ी चुराई थी जो आज तक नहीं मिली है, इसे तो पुलिस सवाल निकालना चाहिए। चल क्या हो रहा है, ये मेरी बीवी का मंगलसूत्र चुराया, उधर मेरी घड़ी चुराई थी जो आज तक नहीं मिली है। पुलिस स्टेशन चला, चला चला पुलिस स्टेशन। ये आपने कुछ अच्छा नहीं किया। तू जा अपना काम कर, तुझे क्या करना है। मिस्टर दलाल, आपका एक गुर्दा बिल्कुल खराब हो चुका है और दूसरा होने वाला है, अगर आपने फौरन इलाज ना किया तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन? उसमें बहुत पैसे लगेंगे, दूसरे का गुर्दा लगाना पड़ेगा। इतने पैसे लाऊंगा कहां से मैं? डॉक्टर साहब आपके दोनों गुर्दे हैं, हैं? तो आप मुझे दे दीजिए, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अच्छे दादा के लिए तुम लोगों की, जब चोरी करती थी तो नहीं पकड़ा, जब चोरी नहीं की तो पकड़ लिया। और जबान चलती है तुम्हारी? इंस्पेक्टर शर्मा। यस सर। इसकी जमानत के लिए कोई आया था? जी नहीं। कमिश्नर साहब, कमिश्नर साहब, आप ये जमानत दे दो ना, आपकी सेवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मुझे लगता है जब आपके केस का फैसला होगा तो मैं ही आपकी बेटी निकलूंगी। ओहो, उस मुकदमे का इस केस से क्या वास्ता? इंस्पेक्टर शर्मा रिपोर्ट तैयार करो। यस सर। नहीं नहीं नहीं, डैडी फादर बाबू, 50 डंडे मारो मगर रिपोर्ट मत लिखो। अरे वो मत लिखो, अगर रिपोर्ट लिखी तो मैं पुलिस के रिकॉर्ड में आ जाऊंगी, और एक बार जेल का लेबल मेरे माथे पर लगा तो कोई मुझसे शादी नहीं करेगा। कमिश्नर साहब, अरे हम बर्बाद हो गया जी। क्या बताएं कमिश्नर साहब, हमारा का लाइफ का कमाई वो दोनों कटाई हो गया। कौन सा हो गया? वही दोनों बाप बेटा, बड़ा मत गाली दे देगी। कमिश्नर साहब भाई बता दिए, वो लोग हमको बेवकूफ बनाए, हमसे शादी भी पक्का किया जी और दहेज का पैसा एडवांस भी लिया जी और मंगनी तोड़ दिया। हाँ जी बड़ी कमिश्नर साहब, हमारा पैसा तो वापस मिला पर असली नोट लेकर ये नकली नोट दिया। लेकिन आपके पास कोई गवाह तो होगा ना? गवाह मैं हूँ। हाँ कमिश्नर साहब, उस दलाल को मैं जानती हूँ। इंस्पेक्टर शर्मा। यस सर। इस लड़की मेरे ऑफिस में ले आओ। ओके। ए चलो। अच्छा सर। अरे चाबी कहाँ गई? चल। अफ्रीका की अमीर तरीन राजकुमारी अपने जीवन साथी की तलाश में दुनिया के दौरे पर। अरे वाह, कड़की के अंधेरे में अफ्रीका के काले सूरज से निकलने वाली उम्मीद की किरण। देख आगे का रेखा है, राजकुमारी के मन को भाने वाला, म्यूजिक पे लहराने वाला, खूबसूरत नजर आने वाला जीवन साथी चाहिए। जो मैं हूँ, म्यूजिक पर लहराने वाला, खूबसूरत नजर आने वाला, मन को बहलाने वाला और कुंवारी लड़कियों को बेवकूफ बनाने वाला। वाह बेटा, हम ईमानदार आदमी है, ये मंगनी का एडवांस डॉलर जो लिया था वो हम वापिस लेके आए। नोट तो असली भी पुलिस ने मार करके दिए थे,
दलाल जूते वाला। कौन दलाल? दहेज के नाम पर एडवांस लेना और बहाना बनाकर असली नोट के बदले में नकली नोट वापस करने के जो मैं तुम्हें अरेस्ट करता हूँ दोनों। इंस्पेक्टर शर्मा सर। नहीं मैं कभी नहीं मानता हूँ मेरे को कभी साहब इसको गिरफ्तार कर दिए। ये नोट बदलने का आइडिया इसका था, मेरा तो था ही नहीं। नहीं ये झूठ बोल रहा है, ये अपने बेटे से कह रहा था कि इस काम को अपना धंधा बना लो। मैं मानता हूँ मैं बहुत बेईमान आदमी हूँ, सारी बेईमानी का कम मैंने तुझको सिखा है, लेकिन तू तो बेटा है, क्या अपने बाप को इस उम्र में पुलिस के हवाले करेगा? उसकी इस बूढ़ी गर्दन को फांसी पे लटक नहीं देगा? मैं तो लटक जाऊंगा, लेकिन ये सोच के मेरे जाने के बाद तेरी माँ का क्या होगा? वो तो रो रो के मर जाएगी। क्या तू अपनी माँ को रोने देगा, तड़पने देगा उसको? नहीं डैडी, माँ के लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। कमिश्नर साहब, इस काम को धंधा बनाने का आइडिया मेरा था। मेरे डैडी को जमानत पे छोड़ दीजिए, क्योंकि गैर कानूनी काम मैं करता था, सिर्फ मैं, और इसकी जो भी सजा हो मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। इंस्पेक्टर शर्मा। यस सर। ओम नारायण का बयान पुलिस स्टेशन में दर्ज कर दो। मुझे माफ करना, मैं ये नहीं चाहती थी। मैं इसी लायक हूँ, लेकिन अपने गुनाहों की सजा काटने के बाद जब मैं जेल से लौटूंगा तो मैं ऐसा नहीं रहूंगा, एक नया इंसान बनकर लौटूंगा, जो शायद तुम्हें भी पसंद आएगा और इस दुनिया को भी शायद।